NSA ROM एक ऐसा ROM है जिसका फर्स्ट अपडेट Redmi की Note 4 डिवाइस के लिए जब आया था, बहुत ज़्यादा है जो इसने हंगामा किया ROMs के मार्केट में, क्योंकि सबसे परफेक्ट ROM बना था अपने टाइम का, काफ़ी लंबा बैटरी बैकअप, काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन और ऑलवेज ऑन का सपोर्ट। बट इसके बाद जो भी अपडेट आए वो उतने अच्छे नहीं गए, लेकिन यहाँ पे फिर से एक और अपडेट आया है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे आपको यूज करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर हम इसे यूज करते हैं तो कितने हद तक कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, साथ साथ क्या क्या बग्स इस पे है या फिर सब कुछ ऑल फिक्स मिलता है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको अबाउट के पेज में लिखा हुआ मिल जाता है काफ़ी अच्छे बोल्ड कलर में MIUI NSA, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है, और जिसके थ्रू पोर्ट किया गया है उनका नेम भी दिखाई देता है। साथ ही साथ डिवाइस का जो मॉडल है Redmi का Note 4 यानी मिडो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर, क्योंकि अक्सर MediaTek वाले प्रोसेसर वाले यूजर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे MIUI 11 का NSA बिल्ड है 20.2.27। जी हाँ, आप कहोगे भाई 20.2.27 तो काफ़ी ओल्ड हो गया है क्योंकि 3.5 अब आ चुका है। तो गाइज अभी तक NSA का अपडेट 3.5 का नहीं आया है, जब आएगा जब हमें इसका भी अपडेट देखने को जल्द ही मिल जाएगा। एंड्रॉयड 9.0 पे ये बिल्ड है, 2023.1 का लेटेस्ट वाला आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, जबकि बहुत सारे लेटेस्ट वाले बिल्ड में अभी तक ओल्ड वाले ही सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहे हैं। 4G वाला मैं अभी फिलहाल यहाँ पे वर्जन यूज कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो किरनेल यूज किया गया है वो है आपका है जो कार्बन का है, ठीक है। बैक की ओर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लॉक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो कि अक्सर रोम में हमें देखने को मिलता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम डिस्प्ले पे आते हैं, डार्क मोड पे जाते हैं, तो यहाँ पे एडजस्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड का नया ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही साथ शेड्यूल भी देखने को मिलता है। तो ये फीचर तो ओल्ड हो चुका है, लेकिन इस बिल्ड के हिसाब से ये बिल्कुल ही नया फीचर्स है, क्योंकि इसी बिल्ड के हिसाब से ये देखने को मिला था। सिस्टम का जो फॉन्ट है वो रोबोटो का है जो डिफॉल्ट यूज किया गया है। स्टेटस बार की ओर आते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो iOS और AOSP स्टाइल। यहाँ पे बैटरी की परसेंटेज, साथ साथ क्लॉक और नेटवर्क स्पीड का परसेंटेज आप खुद से मैनेज कर पाओगे, रो एंड कॉलम, और साथ साथ यहाँ पे आप है जो ब्राइटनेस स्लाइडर को सो एंड हाइड कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने अच्छे से कलरफुल में मॉडिफाइड किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से आप इसे एडिट कर पाओगे अगर आपको एडिट कर कुछ ऊपर लाना है। साथ साथ सेटिंग्स का आइकन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, जो कि मुझे बिल्कुल ही सही लगा। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट ऑफ करके कुछ इस तरीके से ब्राइटनेस स्लाइडर को यहाँ से रिमूव कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है तो, या फिर उनका परसेंटेज भी मैनेज कर सकते हो। बाकी सेम कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है जो कि यू और MI रूम प्रोवाइड करता है। साथ साथ नेटवर्क के आइकन को आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हो, जैसे कि पोको में हमें देखने को मिलता था, तो कुछ उस टाइप का ऑप्शन अब कॉमन हो गया हर एक रोम के अंदर। वहीं पे आपको कॉर्नर राउंड देखने को मिलता है, तो अगर आपको राउंड कॉर्नर पसंद नहीं आता है तो आप डायरेक्ट बिल्ड प्रो का एडिट करते हुए इसे चेंज कर सकते हो। कैसे करना है मैंने बहुत टाइम पहले ही बताया था। 180 पे फ्लिप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप कस्टमाइज और चेंज कर सकते हो। साउंड के प्रोफाइल में कुछ नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा था। नोटिफिकेशन के अंदर भी कुछ भी नया डिफरेंट नहीं दिखाई देता है, लेकिन होम स्क्रीन के अंदर सजेशन, ऑटोमेटिक क्लोज फोल्डर, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह देखने को मिलता है, सो मेमोरी, रो एंड कॉल्यूम, साथ साथ ग्लोबल सर्च प्रोवाइडर और यहाँ पे लॉन्चर और ऐप ड्रॉअर का भी फैसिलिटी देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल हर एक मॉडर्न और पोर्ट रोम में दिखाई देता है। यहाँ पे आपका फेस अनलॉकिंग, फिंगरप्रिंट, बाकी अदर चीज़ें जो कि परफेक्ट रूप से काम करता है, तीन में कोई भी इशू दिखाई नहीं देता है। हाँ, हल्का सा आप कह सकते हो कि फेस अनलॉक स्लो है, क्योंकि जैसे मैं पावर प्रेस कर देता हूँ करीब करीब यहाँ पे 3 से 4 सेकंड का टाइम लगता है अनलॉक होने में, तो यहाँ पे हल्का सा फेस डिटेक्शन स्लो है जो कि उम्मीद करते हैं जल्दी इम्प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको अल्ट्रा बैटरी सेविंग, ऑटोमेटिक टास्क मैनेजर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मैनेज ऐप्स की बात करें तो यहाँ पे फाइंड ऐप देखने को मिलता है और अपडेटर का सेशन देखने को मिलता है, जो कि लिंक किया गया है हमारे गेट ऐप्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो ऐप बिहेवियर लेटेस्ट बिल्ड के हिसाब से आया था वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट बिल्ड नहीं है, एक स्टेप थोड़ा सा पीछे है। एडिशनल में बैकअप, रिस्टोर एंड रीसेट का सेटिंग देखने को मिलता है, जो कि अबाउट के सेशन में था और यहाँ पे भी दिखाई देता है। साथ साथ ईयर पीस यानी ईयरफोन भी देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट वाले में हमें साउंड मोड के हिसाब से देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे कि नीचे के कोई भी इफेक्ट्स नहीं है, तो सिर्फ इक्वाइजर और MI साउंड इनहेंसर ही देखने को आपको मिल जाता है। वह फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, तो आपको मैनुअली इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसका भी यूज है जो कर सकते हो, जो कि सही है।
लैंग्वेज इनपुट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन आपको सारे लैंग्वेज है जो नज़र आ रहे होंगे जिस लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। अगर आपका नेटिव लैंग्वेज यहाँ पे है तो आप उसे यूज कर पाओगे, अदरवाइज आपको जो यूनिवर्सल इंग्लिश लैंग्वेज का है जो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बैक की ओर अगर हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की, तो आपको देखने को मिलता है जो स्क्रीन टाइम वो भी लेटेस्ट है, कोई भी चेंज हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में सब कुछ वही है जिसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। कैमरा हमारा वर्किंग है बट पोर्ट्रेट डिफॉल्ट काम नहीं करता है, तो आपको जी कैम यूज करना होगा। एंटूटू की बात करें तो इस बार मैंने लेटेस्ट वाला वर्जन का यूज किया है जो कि 8.1.8 है, जिसपे टोटल स्कोर मिला है 96638 का, जो कि काफ़ी अच्छा आप कह सकते हो गेमिंग के लिए। लेकिन कस्टम रोम के हिसाब से थोड़ा बहुत कम स्कोर रहता है, हमेशा पोर्ट रोम में कस्टम रोम के कंपेयर हल्का सा वीक स्कोर देखने को मिलता है, बट आप किरनेल वगैरह चेंज करके इम्प्रूव कर सकते हो। वहीं पे नेट सेफ्टी हमारा फुल्ली पास मिलता है, कोई भी इशू नेट सेफ्टी से रिगार्डिंग नहीं आती है। और साथ साथ हमारा जो प्ले स्टोर का जो डिवाइस सर्टिफाइड है वो भी कम्प्लीट है, तो आप बैंकिंग ऐप वगैरह ईजिली यूज कर पाओगे, आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलने वाला है, आप बैंकिंग ऐप वगैरह यूज कर सकते हो। अगर हम इसके वॉलपेपर सेशन पे आते हैं तो कुछ नए वॉलपेपर के आपको देखने को मिल जाते हैं स्टोर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और ब्यूटीफुल से हैं, तो आपको जो भी वॉलपेपर पसंद आता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं इनके इस बार के नए वॉलपेपर, जो कि एक मैं भी फिलहाल यूज कर रहा हूँ। गैलरी में आपको जो लेटेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि ये एक स्टेप पहले वाला है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी ओल्ड टाइप की गैलरी देखने को मिलता है, बट नेक्स्ट अपडेट में हमें सब कुछ लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बग की बात करते हैं, वो है हमारा वीडियो कॉल। जी हाँ, वीडियो कॉल तो आप कर सकते हो, ये कोई बग नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जो ब्लूटूथ का यूज नहीं कर सकते हो। वीडियो कॉल आपका परफेक्ट वर्किंग है, नो इशूज, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस यूज करते हो तो आप चाह के भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसका अगर पैच इन फ्यूचर आता है तो मैं मेंटेन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, बट फिलहाल के लिए आपको जो ब्लूटूथ कॉलिंग का बग देखने को मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है, अनपेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और कोई भी आइकन वगैरह नहीं है, तो नहीं आप म्यूजिक लिसन कर सकते हो, नहीं कुछ और। तो यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आप अपना हैंडसेट डिवाइस जो ब्लूटूथ का है उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बग मिला, दूसरा आपका हार्डवेयर लाइट का जो बग है ये फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि इसे पोर्ट किया गया रेडमी के नोट 5 प्रो डिवाइस से, जिसमें हार्डवेयर लाइटिंग का ऑप्शन नहीं है, उनमें सॉफ्ट की है। तो आप सॉफ्ट इसको फिक्स करने के लिए एक ऐप का यूज कर सकते हो, जो कि मैंने ऑक्सीजन वॉइस के पोर्ट में बताया था। सो आई होप सो गाइज कि मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया है, बाकी कोई भी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यूज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक थम्सअप जरूर दें, और आप मुझे जरूर बताना कि इस रोम का आप यूज करना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला इस रोम के साथ, आप जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका हर एक कमेंट भाई हमें इंक्रीज करता है, हमें इम्प्रूव करवाता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो आपके हर एक छोटे से बड़े कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।